something that we've also done in our school days, but very, very, very basic, extremely basic. We will do something a little more, I will not say advanced also. It is just the proper real-time application of profit and loss that we are going to do. So, jaise we start, we should just get familiar with a few terms before we begin. First is cost price. ठीक है, some terms. So, cost price or CP as is written or as we use in the solutions. ठीक है, तो obviously cost price वो price होता है जिस पे a person buys a product या produce करता है. Cost मतलब कोई भी चीज है, say a pen. ठीक है, तो वो जो पेन बनाने का कॉस्ट था ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जो प्रोड्यूस करने का कॉस्ट लगा, सी दिस चैप्टर नो परमार इज डिफरेंट, इट्स लाइक परसेंटेज. तो वी विल हैव टू डू कॉन्सेप्ट्स विद सम्स. मेंसुरेशन वाज नॉट कॉन्सेप्ट, मेंसुरेशन वाज ओनली फॉर्मूला. That's why if we don't do sums, it is still okay. For chapters like this, bina sums ke aapko application nahi aayega of the concept. So, jaise humne ratio, proportion and percentage dono kiya tha, and other chapters also with concept and questions. So, this is a mixture. So, aisa kuch pattern nahi hota ki some days we do only concept, some days we do only sums. If I do only concept, you all do not understand anything. वो फिर रटा ही मारना पड़ेगा इवेंचुअली, इट डज नॉट मेक सेंस. और वो सब एक साथ जब क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स नॉट कॉन्सेप्ट और सम्स, इट्स चैप्टर चैप्टर वाइज कि हाउ यू टीच एंड हाउ यू ग्रास्प. ठीक है, परमार निलेश, डिड यू गेट द आंसर टू योर क्वेश्चन? ठीक है, सो एनी वे कॉस्ट प्राइस क्या होता है? बेस प्राइस होता है. ठीक है, बेसिकली कि अगर मेरे पास एक पेन है जो मैंने खुद प्रोड्यूस किया है, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, या तो दिस या तो जो पेन मैंने खरीदा है ना, मतलब बेस प्राइस बेसिकली जिस पे मैं आगे जाकर और सेल करूंगी. सो जैसे फर्स्ट स्टेप प्राइस जो होता है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, और कॉस्ट या बोलो प्राइस एट विच अ पर्सन बाइज. ठीक है, दिस इज बेसिकली हाउ आई सी इट, इट इज द फर्स्ट स्टेप कॉस्ट. ठीक है, अब या तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि मैंने वो खुद प्रोड्यूस किया है, या तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि मैंने वो कहीं से खरीद लिया है, अब मैं वहां से और जाके कहीं और खरीदूंगी. So you know how production, मतलब if I have my own factory, so I'm producing it. Else cost price क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने wholesale market से बहुत सारा सामान लिया है. Suppose मैंने pens ले लिए, packets of pens, of 50 pens, 100 pens जो भी है, उसका एक cost price होगा. अब आगे जाके मैं उसको retail में बेचूंगी. So that business, so मैंने जिस price पे खरीदा है, ठीक है, so it is not going to be के selling, वो तो मैंने अगर किसी से खरीदा है तो वो किसी का selling price होगा. No, no, not like that. Logically understand कि मेरा बेस प्राइस कि मैंने उसको खरीद के कितने में शुरू किया. अब या तो प्रोडक्शन का प्राइस हो सकता है, या तो जो मैंने उसको उसका जो फर्स्ट स्टेप प्रोडक्शन हो के जस्ट फ्रेश आया था, मैंने उसको कितने में खरीदा है. सो बेसिकली द प्राइस दैट आई एम बिगिनिंग विद, द फर्स्ट अमाउंट आई स्पेंड ऑन सम यूटिलिटी और सम व्हाटएवर कमोडिटी, दैट इज कॉस्ट प्राइस. ठीक है, देन आता है सेलिंग प्राइस. एसपी, ठीक है, सो इट इज द प्राइस एट विच अ पर्सन सेल्स द प्रोडक्ट. ठीक है, वेरी प्लेन एंड सिंपल, प्राइस एट विच द पर्सन सेल्स द प्रोडक्ट. ठीक है, बेसिकली व्हाट इट मींस इज, अच्छा वन सेकंड ना, पीपल आर जॉइनिंग.
Last thing, hold on a second. Let me just get done with explaining, then I'll show you. Basically, I have a product, say this pen. Okay? So, how the journey, what it means, don't ever get confused, because then we are going to have one more term as mark price, so you should not get confused. So, jo bhi ye pen hai, theek hai, it will begin with a cost price and it will end with a selling price. Ab beech mein uska jo bhi ho, discounts ho, या उसके मार्क्ड अप प्राइस हो, व्हिच आई विल एक्सप्लेन, सो डोंट वरी, ठीक है, या उसमें इंक्रीज इन प्राइस हो या डिक्रीज इन प्राइस हो, जो भी हो, बट इट स्टार्ट्स विद कॉस्ट प्राइस एंड जितने में इवेंचुअली बेचा है दैट इज द सेलिंग प्राइस. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि आगे जाके उसमें जैसे कुछ सिनेरियोस आएंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सेलिंग प्राइस क्या होगा या बीच वाला सेलिंग प्राइस है कि एंड. नो, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू बी द कॉस्ट एट विच इट इज सोल्ड इवेंचुअली. ठीक है, सो लिख लो जल्दी से. लेट मी नो व्हेन डन. हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, चलो डन मैम. ओके गुड, मूविंग ऑन. अनदर थिंग, वेरी कॉमन टर्म्स दैट वी ऑल आर फेमिलियर विद, बट स्टिल आई विल ब्रिंग इट टू योर अंडरस्टैंडिंग अगेन, इज द टर्म प्रॉफिट. ठीक है, व्हाट इज प्रॉफिट? तो जब भी माय सेलिंग प्राइस is greater than my cost price. Obviously, we all know this. Okay, whenever my selling price is greater than my cost price, that is my profit. Okay, always. And my profit kya hoga? Selling price minus cost price. Okay, now sometimes directly hume equations. अच्छा ठीक है, वो मैं क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. बट दिस इज, सो बेसिकली दिस इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉफिट मतलब जो सेलिंग प्राइस होता है उसमें से माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, ये इस अकेले के फॉर्मूला पे हम हमेशा प्रॉफिट पे, प्रॉफिट के अराउंड वी कैन नॉट वर्क आवर सम्स, बट दिस इज द मेन अंडरस्टैंडिंग एंड इवेंचुअल फॉर्मूला यही होता है कि कितना भी कुछ भी हो, डिस्काउंट एंड अगेन मार्क प्राइस, एज आई टोल्ड यू, जो भी है झंझट हो, बट प्रॉफिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑल्सो डन. I will tell you, Sneha. I said कि मैंने I have not explained MP mark price and I will tell आगे जाके. I said, was I not clear? ठीक है, so I said I will explain about the discounts and mark price also. Right now I'm explaining the terms, तो समझो. So profit is basically the difference between your selling price and your cost price. Which makes sense also. मैंने इतने में खरीदा था, उससे ज्यादा में बेचा है, ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट हुआ है. आफ्टर दैट कम्स ऑब्वियसली लॉस. ठीक है, सो ऑब्वियसली व्हेन माय कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन माय सेलिंग प्राइस, ऑब्वियसली वी नो व्हाट इट इज. ऑब्वियसली मैंने ज्यादा में खरीदा बट कम में बेचा, इट इज अ लॉस. एंड इसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सो माई लॉस इज गोइंग टू बी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, ऑल्सो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कब होगा? कैन एनीबडी टेल मी, नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है? No profit, no loss. Yes, zero difference. Exactly. When both are equal. Correct, Tanvi, Sneha. So when? Yes, Payal. Yes, Isha, Vishal, Swaraj, Pritish. Very good. So whenever my cost price is going to be same as selling price, it is a no loss, no profit situation. Okay, just take a look. Ek baar glance kar lo. Nothing I have taught, nothing I have told is very rocket science. Yes, Pritish, you can say yes.
चुके हैं, पीपल आर स्टिल जॉइनिंग. ठीक है, सो दिस नाउ व्हाट द थिंग इज कि सपोज देयर इज अ फ्रूट वेंडर. ठीक है, सपोज देयर इज अ दुकान वाला. ठीक है, उसने ना दो दुकान वाले ए एंड बी. ठीक है, अब दुकान वाले ए ने 100 रुपए का प्रॉफिट किया, 100 रुपीज का प्रॉफिट किया. ठीक है, एंड बी वाले ने 200 रुपीज का प्रॉफिट किया. किसका फायदा हो रहा है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है किसका फायदा हो रहा है यहाँ पे. हुज आर प्रॉफिट विजिबली इफ आई एम जस्ट सीइंग दिस बी. हाँ, यस यस अंशु, सो यस बी का प्रॉफिट हो रहा है. बट एक्चुअली वी कैन नॉट डिसाइड दैट व्हाई. ठीक है, व्हाई कैन वी एक्चुअली नॉट डिसाइड इट, बिकॉज किसने कितना इन्वेस्ट किया वो तो मुझे नहीं पता ना. हो सकता है कि इसका प्रॉफिट तो 100 रुपीज का हो गया है. ठीक है, मतलब अंडरस्टैंड अच्छे से व्हाट आई एम सेइंग कि यस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो रहा है, बट फायदा ज्यादा किसका हुआ. और मैंने अगर सीधा बी बोल दिया, बट फायदा ज्यादा किसका हुआ, प्रॉफिट बी का हुआ है 200 का. डेफिनेटली प्रॉफिट 100 का हुआ है ए का, डेफिनेटली प्रॉफिट दिखने में मुझे बी का ज्यादा दिख रहा है. वेरी वेरी करेक्ट. बट सपोज आई टेल यू कि इसने ना इन्वेस्ट किया था ₹1000 और इसने इन्वेस्ट किया था रुपीज, हाँ अगर मैंने 1000 बोले यस डेफिनेटली 200 का प्रॉफिट इसका हुआ. लेकिन सपोज इसने इन्वेस्ट किया था 10000, तो फिर तो इसका प्रॉफिट सिर्फ 200 हुआ है और इसका तो 1000 में ही 100 हुआ है. यू आर अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिबिलिटी. ठीक है, सो दिस इज व्हेन अगेन व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट परसेंटेज भी. परसेंटेज जब हमने क्या था, आई टोल्ड यू परसेंटेज इज व्हाट कंपैरिजन, यू आर कंपेयरिंग, कंपेयर करना है हम लोग को अच्छे से. सो दिस इज ऑल्सो कंपेयरिंग. बट प्रॉफिट एंड लॉस अब तक जो हम लोग को स्ट्रेट नॉलेज में समझ में आता है कि 1000 में से उसने 1100 में बेचा, प्रॉफिट उसका 100 रुपए का हो गया. इसने 10000 में खरीदा, 10200 में बेचा, 200 का हुआ. बट बिजनेस वाइज इफ यू हैव टू थिंक, बिकॉज एप्लीकेशन वाइज वेन यू हैव टू थिंक, एप्टीट्यूड वाइज वेन यू हैव टू थिंक, तो एक्चुअली फायदा तो ए का होना चाहिए क्योंकि उसने कम पैसे डाल के उसको इतना मिल गया. ठीक है, सो नाउ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वी डू वन कॉमन थिंग which I told you कि why is percentage. Percentage is because it is the common calculation. If you remember percentage के lecture में I was giving a lot of stress on explaining कि क्यों percentage, why denominator 100 में लेके compare करना है. Because here we have to understand कि actually किसका फायदा हो रहा है. और वो मुझे directly ऐसे देख के नहीं समझेगा, but how will I actually understand? I will understand when I find the percentage profit. और प्रॉफिट परसेंटेज. सो व्हेन आई फाइंड द परसेंटेज कि एक्चुअली कितना परसेंटेज हुआ है प्रॉफिट बाय बाय ब्रिंगिंग बोथ ऑफ देम टू अ डिनोमिनेटर ऑफ 100, बोथ ऑफ देम टू अ कॉमन ग्राउंड, तभी मैं डिफाइन कर सकती हूँ ना कि किसका ज्यादा प्रॉफिट हुआ है. सो बेसिकली जब प्रॉफिट होता है, लेट मी राइट लाइक दिस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, तो किसका ज्यादा लॉस हुआ है रिलेटिवली, किसका ज्यादा प्रॉफिट हुआ है एक्चुअली में समझ में आएगा व्हेन आई वांट टू, व्हेन आई फाइंड द परसेंटेज. ठीक है, सो उसका फॉर्मूला होता है, सो परसेंटेज प्रॉफिट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, प्रॉफिट में क्या आता है, नाउ दिस इज एग्जैक्टली योर फॉर्मूला, ये परसेंटेज वाला जब हमने देखा था. हाँ ठीक है, ए परसेंट इज ग्रेटर ऑफ बी परसेंट टाइप वाला था. ऑलवेज ट्राई रिलेटिंग इट. ठीक है, सो प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं हम, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. बट परसेंटेज है तो आउट ऑफ होगा किसी चीज का, और किसका हम बता रहे कि किसका है, तो ऑब्वियसली सॉरी हाँ कॉस्ट प्राइस का ही होगा टोटल. इट इज ऑलवेज आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज 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 इन टू 100. ठीक है,
तो इफ यू रिमेम्बर इन परसेंटेज, कौन किससे ज्यादा बड़ा है परसेंटेज वाइज, हमने वो किया था डिफरेंस अपॉन ए और बी वाला. डू यू रिमेम्बर, डज एनीबडी रिमेम्बर डिफरेंस अपॉन ए और बी जो भी किया था? यस, सो दिस इज लाइक दैट ओनली. ठीक है, बेस हमने निकाला था एक, उसको ढूंढ रहे थे हम बेस कौन सा होगा जिसके रेफरेंस में है वो बेस होगा. तो इन प्रॉफिट एंड लॉस व्हाट यू हैव एज अ बेनिफिट हियर इज दैट योर कॉस्ट प्राइस इज गोइंग टू बी योर बेस. व्हाई? बिकॉज ऑलवेज इट इज इन रेफरेंस टू कॉस्ट प्राइस ओनली, क्योंकि दैट इज आवर बेस दैट वी आर बिगनिंग विद एंड वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस. कॉस्ट प्राइस इज वेयर इट बिगिंस. सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू गिव द आउटकम. सो प्रॉफिट वाला परसेंटेज इज गोइंग टू बी दिस, योर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी, एंड योर परसेंटेज लॉस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100. सो ऑल इन ऑल बेसिकली इट मीन्स व्हाट? बेसिकली इट मीन्स योर परसेंटेज इज गोइंग टू बी इक्वल टू डिफरेंस अपॉन दैट टोटल ऑफ कॉस्ट प्राइस इंटू 100. Did you understand this? Likh lo yourself. We'll do a question very quickly on this. Also, one thing. Suppose मैंने selling price और cost price में ना मैं confused हो रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है. मैंने गलती से cost price minus selling price कर दिया, या selling price minus cost price कर दिया कभी गलती में. अगर negative answer आता है, we definitely understand कि percentage drop है. So it is less. Last formula. कौन सा formula? ये percentage is equal to difference upon CP into 100. Difference is this one, Dina. Difference is what? It is the difference between cost price and selling price. जो भी cost price minus selling price. ठीक है, देखो. और इतना तो मुझे पता है कि सपोज मैंने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दिया और मुझे पॉजिटिव आंसर आया, मतलब प्रॉफिट हुआ है. बट अगर वो नेगेटिव आ रहा है ना, ठीक है यार, मैं ना क्वेश्चन सॉल्व करके समझाती हूँ वरना और कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, इतना लिख लो. नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज मत हो. बट डिफरेंस का मतलब ये होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो भी बड़ा है. ठीक है, बट यस, यू हैव टू डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि जब एसपी माइनस सीपी हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, राइट? और ये कॉस्ट प्राइस क्यों आ रहा है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्यों है? बिकॉज डेफिनेटली सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. ठीक है, ये लिख लो एंड लेट मी नो व्हेन यू आर डन, एंड आई विल एक्सप्लेन द नेगेटिव पार्ट ऑल्सो टू यू. There is in a question that I came across, so I will show you the negative part. Okay. Done? Done, ma'am. Okay. क्वेश्चन में है, इट्स टुवर्ड्स द एंड, आई विल एक्सप्लेन टू इट. इज नॉट एज अ कुछ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट जस्ट टू रिलेटेड टू परसेंटेज. ठीक है, हाँ प्रतिमा, बट मतलब दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, बट इट इज वेरी सिचुएशनल. मतलब हाँ, सागरिका वंस अगेन, एस पी माइनस सी पी का अमाउंट अगर नेगेटिव आया तो वी कैन से इट इज़ अ लॉस डेफिनेटली, बिकॉज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एक्चुअली पॉजिटिव होगा. तो मतलब दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से, बट आई डिडंट वांट एनीबडी टू गेट कंफ्यूज, सो आई वाज वेटिंग फॉर एन एग्जांपल. बट यस, दैट इज हाउ इट इज. व्हेनेवर इट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस पॉजिटिव, इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिट. बट व्हेनेवर इट इज नेगेटिव, इट इज गोइंग टू बी अ लॉस. बट प्रतिमा, व्हेनेवर इट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस पॉजिटिव, इट इज लॉस. And when it is CP minus SP negative, it is profit. ठीक है, your understanding? So that's why I did not go ahead with it. Because CP minus SP, अगर negative positive हुआ, तो that gives a different outcome. Whereas SP minus CP negative positive हुआ, so that gives a different outcome. Which I will give you अच्छे से, but I don't want to just give you a table कि आप लोग रटा मान लो.
वो अंडरस्टैंडिंग के साथ दी हुई है इज व्हाट आई वाज एमिंग फॉर इसी सारे तरीका जल्दी से देख लो सो दैट वी डोंट डिले You can do this aram se by the end of the lecture also. I mean, so that we don't waste time all in all in this algorithm. Aram se you can take screenshots by the end of the lecture also of what you're using. Okay. Screenshots, everybody will take it by the end of the lecture. Okay? हाँ प्रतिमा मैं बताऊंगी विद द क्वेश्चन ओनली आई विल एक्सप्लेन डोंट वरी विद द क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन दैट्स व्हाई इसलिए मैं रुक गई ना एक्सप्लेन करते करते कि हम चैप्टर को थोड़ा और समझेंगे तो फिर हम ये सब कॉन्सेप्ट्स और समझेंगे ठीक है सो डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ डोंट जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस आई विल टेल यू चलो क्वेश्चन लिखो कंपनी ए earned a revenue of rupees 15 crores with an investment of rupees 12 crores. While company B earned a revenue of rupees 33 crores with an investment of rupees 30 crores which company was more profitable in terms of percentage I must solve karke bata a ya b yes Sunil so a is 25% b is 10% so a correct yes Isha Yes, Lakshmi, good. Yes, Prasad, Mehak, Faiza, good. Everybody else has a chance. Yes, Anjali. वेरी सिंपली वी कैलक्यूलेटेड बोथ परसेंटेजेस ऑफ बोथ द कंपनीज सो फॉर ए एक तो दिख रहा है कि प्रॉफिट है बिकॉज ऑन द रेवेन्यू ऑफ 15 क्रोर्स विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12 क्रोर्स तो ऑब्वियसली आई कैन क्लियरली सी इट राइट दैट इट इज अ प्रॉफिट सो ए का क्या था क्या है डिफरेंस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट
price, sorry, minus cost price upon cost price. ये देखो इसको ना अंडरस्टैंडिंग में लो. मुझे पहले सिर्फ ये बताओ प्रॉफिट कितना होता है, ए का कितना प्रॉफिट हुआ है, ऑफ हाउ मेनी क्रोर्स, 15 माइनस 12, राइट, दैट इज 3 क्रोर्स, 3 सीआर, राइट. अब ये 3 सीआर का प्रॉफिट हुआ है, हम क्यों एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100 क्यों लिख रहे हैं? किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितना यू हैव अवेलेबल या जितना यू हैव अपॉन टोटल इनटू 100, राइट. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर व्हाट, परसेंटेज. तो प्रॉफिट परसेंटेज इज नथिंग डिफरेंट. तो कितना अवेलेबल है यहाँ पे मुझे? 3, ठीक है, 3 करोड़. आउट ऑफ कितना, कितना इन्वेस्ट किया था इनिशियली, मैंने इन्वेस्ट कितना किया है? 12. मेरी इन्वेस्टमेंट वॉज 12, 3 अभी आया है, पर मेरा ओरिजिनल क्या था? आउट ऑफ टोटल कितना था? 12. और मुझे इसका परसेंटेज निकालना है, देयरफॉर इनटू 100. एज सिंपल एज दैट. यूर यू विल गेट 1/4, दिस यू गेट 25, देयरफॉर 25%. किसका ये? ए, ए का प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है. हनु शील अंबिका शिवदीप प्रीति श्री, हाँ ए, ठीक है. सिमिलरली विद बी, अगेन ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप. आई एम एक्सप्लेनिंग स्टेप बाय स्टेप इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला क्यों है. जस्ट बिकॉज बुक में है, मैम ने बोला ऐसे ही है, गूगल पे है, यूट्यूब पे है, इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. व्हाट डज इट मीन? अगेन बी का टोटल सिर्फ प्रॉफिट, मैं परसेंटेज तक जा भी नहीं. प्रॉफिट कितना हुआ है? इन्वेस्टमेंट कितना था? 30 क्रोर्स इन्वेस्टमेंट थी. मिला कितना है? 33. प्रॉफिट कितना हुआ? 3 क्रोर का ही हुआ है, सेम 3 क्रोर्स. बट योर बी, व्हेन आई एम काउंटिंग योर बी परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, इट वॉज 3 क्रोर्स डेफिनेटली, बट आउट ऑफ हाउ मच? व्हाट वॉज माई इन्वेस्टमेंट? इट वॉज 30. Therefore, 3 out of 30 परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट हुआ. इन्वेस्टमेंट भी मतलब क्या ही होगा, क्या होगा इन्वेस्टमेंट? योर इंक्रीज इन परसेंटेज ही हुआ ना, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना. प्रॉफिट हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है? 3 out of 30 इतने से इंक्रीज हुआ है. एंड दिस इज वॉट यू गेट. 3 वंस आर, 3 टेंस आर, योर 10%. सो डेफिनेटली ए इज प्रॉफिट परसेंटेज is greater than B's profit percentage. This is your answer. Okay, everybody write it. ठीक है. अभी देखो, कमिंग टू योर मार्क प्राइस, ठीक है. समथिंग वी माइट हैव नॉट कम अक्रॉस इन एनी अदर सिलेबस अनलेस एंड अंटिल आई डोंट नो इन मे बी कॉमर्स फील्ड. सो मार्क प्राइस, ठीक है. So sometimes a product may be produced at a certain price, cost price जो भी उसका है, but it is supposed to be sold at a higher price. ठीक है, मतलब मैंने खरीद, मैंने एक पेन बनाया है जो, या मैंने एक सपोज बैग बनाया, ठीक है. इसके पूरे प्रोडक्शन में मुझे कितना लग रहा है? 1000 rupees लग गया. इन वॉट प्रोडक्शन? मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन में 1000 rupees लगा, तो मतलब ये क्या है, कौन सा प्राइस है ये? सी पी है क्या, एस पी है? यस करेक्ट, यस कॉस्ट प्राइस है मेरा. बट ये बैग अब सिर्फ मैं 1000 rupees में नहीं बेचना चाहती हूँ. यस मेरा कॉस्ट प्राइस है इतना लगा, बट यस आई हैव गिवन इट द डिजाइन, आई हैव गिवन इट द टाइम, मेरा एफर्ट लगा है. आई वॉन्ट टू सेल इट एट सम मोर प्राइस, ज़्यादा बड़ा आर हो गया. आई वॉन्ट टू सेल इट फॉर 1500. तो ये जो 1000 rupees था, आई एम गोइंग टू सेल इट फॉर
1500. ठीक है. नाउ दिस 1500 कैन बी माय मार्क प्राइस. एंड आई यू विल से इसमें सेल, इसको सेलिंग प्राइस क्यों नहीं बोल सकते. आई विल कम टू दैट आल्सो बिफोर यू शूट योर क्वेश्चन. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. दिस इज माय मार्क प्राइस. जो मेरा मतलब इंक्रीज्ड प्राइस था ना, उसको मैंने एलिवेट कर दिया और मैंने उसको 1500 बना दिया. क्या एस पी अनिकेत, वॉट इज एस पी, वॉट इज एस पी हियर? योर एम पी इज नॉट योर एस पी. ठीक है, इन सम केसेस माइट बी. सो दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. ये मैंने 1000 रुपीज में इसका प्रोडक्शन किया. आई वॉन्ट, मैंने इस पे जो प्राइस टैग लगाया है, दैट प्राइस टैग इज ऑफ 1500. ठीक है, ये 1500 का मैंने क्या लगा दिया है उस पे प्राइस टैग. ठीक है, इसमें मुझे बोलते हैं ना मार्जिन कितनी मिल रही, मार्जिन उन लोग की मार्जिन ही उतनी होती है. मार्जिन इज व्हाट? यस अंजलि मैम, 500 होगा ना इसका सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस 500 कैसे हो जाएगा मैम? इसमें 500 इसको प्रॉफिट है ना. हाँ तो सेलिंग प्राइस 500 कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं मैम, प्रॉफिट में बोल रही हूँ, सॉरी. हाँ हाँ प्रॉफिट. हाँ बट मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस मार्क प्राइस अगेन? यस, आई एम नॉट डन एक्सप्लेनिंग मार्क प्राइस. वन मिनट, जस्ट लिसन टू मी अच्छे से सब लोग. तुम लोग मेरी पहली बात सुनो. कंफ्यूज जबरदस्ती मत हो जाओ, जबरदस्ती डाउट्स मत पैदा करो. पहले मेरी बात सुनो. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस मार्जिन थिंग इज हाउ यू अंडरस्टैंड मार्क प्राइस. एंड नो, देर इज नो प्रॉफिट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, नो लॉस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, नो सेलिंग प्राइस. पहले मेरी बात सुनो तुम लोग. वट आई हैव सेड अब तक इसके, मैंने 1000 रुपये में एक चीज़ प्रोड्यूस की है, उस पर मैंने प्राइस टैग लगाया है और 1500. बस इतना समझ में आया सबको? इतना सिर्फ जितना मैंने समझाया, उस पर मैंने प्राइस टैग लगाया 1500 का. सो दो लोगों को समझ में आया? यस मैम. ठीक है, इसमें हाँ ओके ग्रेट. अब मैं ये बोलूँ, स्टेप बाय स्टेप वी विल गो टू एवरीथिंग ना. ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस एंड देन आई विल आस्क यू. कि सबको समझ में आया, डाउट है तो देन डेफिनेटली शूट योर क्वेश्चन बट अंडरस्टैंड. तो इसमें मेरी मार्जिन कितनी दिख रही है? जब भी हम दुकान वाले के पास जाते हैं या अपन मम्मी लोग से बात करते हैं या अभी टॉकिंग टू अवर फ्रेंड्स या जो भी है, मम्मी लोग बोलते हैं ना इन लोग का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इन लोग का मार्जिन बहुत ये है. मार्जिन मतलब क्या है बेसिकली? जो मेरा मार्क्ड प्राइस है, जो मेरा मार्क्ड, मतलब मार्क्ड मीन्स व्हाट? मार्क्ड ऑन योर प्राइस टैग, इट मीन्स मार्क्ड. ठीक है, वेयर हैज दिस वर्ड मार्क्ड कम फ्रॉम? योर प्राइस टैग. ठीक है, सो योर प्राइस टैग में जो मार्क्ड है, ठीक है, योर मार्क्ड प्राइस माइनस योर कॉस्ट प्राइस, जो यहाँ पे 1000 थी, कॉस्ट प्राइस इज योर मार्जिन. ठीक है, प्रॉफिट लॉस छोड़ो एक सेकेंड के लिए, दिस इज योर मार्जिन. कि मैंने खरीदा सब प्रोडक्शन में इतने में कर रही हूँ, इसको मैं अब इतने में बेच रही हूँ, मैं मार्जिन अपना इतना रख रही हूँ. मार्जिन सबको, वी आर फेमिलियर विद द वर्ड, वी जस्ट डोंट नो दैट इट्स यूज इन मैथमेटिकल टर्म्स ऑल्सो. सो वॉट इज योर मार्जिन हियर? वॉट इज माई मार्क प्राइस हियर? इट इज 1500. ठीक है, वॉट इज माई कॉस्ट प्राइस? इट इज 1000. So therefore, what will my margin be? Rupees 500. Still not come to profit loss or anything. Okay, because understand what I'm saying. But my journey, it does not end here. From my cost price to my mark price, it does not just end here. Okay, so isliye be patient and understand. So when I'm saying my margin, ye tum log ko formula likhna padega, but now, not now. Wait. When I'm saying margin is equal to mark price minus selling price, so ye hai. कि मैंने प्रोड्यूस इतने में किया है और मैंने उस पर प्राइस टैग इतने का लगा दिया है. कभी भी अगर मैंने बोलूँ कि मेरी मार्क प्राइस ये, उसका मतलब ये नहीं कि मेरा सेलिंग प्राइस ये है कंपल्सरी. मेरी मार्जिन इज दिस, दिस इज योर वन फॉर्मूला दैट आई हैव टोल्ड यू अब तक. द सेकंड थिंग दैट आई विल टेल यू कि यस, देन माय परसेंटेज वाइज मार्जिन विल बी व्हाट? ऑब्वियसली जो मेरा प्राइस टैग पे है माइनस सीपी अपॉन व्हाट इनटू 100, व्हाट विल कम इन द डिनोमिनेटर? MP should come or CP should come? CP. Yes. Yes. Correct. CP. Why? Because that is my reference. That is my cost price. That is my base price. Definitely. अब ये भी दूसरी चीज समझ में आ गई. ठीक है. Two things that I want you to derive from this explanation.
ठीक है, दिस इज मार्क प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस, एंड नाउ आई एम स्टिल नॉट आस्किंग यू टू राइट द फॉर्मूला. Why? Because I'm still going to now explain. So my journey, the journey of my bag, ठीक है, my bag, उसका cost price क्या था? 1000 रुपये. ठीक है, उसका मैंने mark price क्या बनाया? Price tag कितने का लगाया मैंने? ₹1500. 1500 का मैंने उस पर mark price लगाया. लेकिन why am I not calling it the selling price? Because ये सेलिंग प्राइस अब तक नहीं हुआ है. क्यों? क्योंकि मैं इस पे अब यहाँ पे लगा सकती हूँ डिस्काउंट्स. आई कैन पुट डिस्काउंट्स हियर. ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट्स लगाए जाते हैं ना, ये डिस्काउंट्स लगाते हैं हम मार्क प्राइस पे, ऑन योर प्राइस टैग मार्क. वन सेकेंड. ओके, तो ये जो डिस्काउंट्स हैं, दे आर नॉट your discounts, you will not put on your cost price. No, no, no. Your discounts you are going to put on your marked price. Okay, on your marked price. So this is where marked price comes important and not cost price. That's why you have to understand the difference and meaning and explanation. So ye likh bhi lena, CP and MP and this and that. Theek hai? Now did everybody understand what is marked price and why it is different from selling price? My discount is going to be applied to my marked price and not my cost price. ठीक है, एक second. ठीक है, तो suppose मैं यहाँ पे discount दे रही हूँ of say 10%. मैंने sale लगा दी. आई एम द शॉपकीपर नाउ. ठीक है, और मैंने इस पर 10% डिस्काउंट लगा दिया. तो अब मैं डिस्काउंट किस पे लगाऊंगी? मैं ये 1500 पर डिस्काउंट लगाऊंगी. ठीक है, 1500 इंटू 10/100 इसका मैं डिस्काउंट लगाऊंगी. इट विल गिव मी व्हाट? 150, राइट? 150 रुपीज ऑफ. ठीक है, सो 1500 माइनस 150, 1350. ठीक है, 1350. सो नाउ दिस 1350 इज माय सेलिंग प्राइस. दिस एंटायर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस. नाउ इन केसेस जहां पे कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली योर मार्क प्राइस इज ओनली गोइंग टू बी योर सेलिंग प्राइस, और उसी पे प्रॉफिट लॉस होगा. बट इफ यू हैव डिस्काउंट, जो कि क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत होता है, इतने में डिस्काउंट दे दिया, उतने में डिस्काउंट दे दिया, दिस एंड दैट, सो उसमें योर एसपी चेंजेस. ओके, डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड? नाउ नाउ राइट दिस थिंग अबाउट द मार्क प्राइस. नाउ इफ एनीबडी हैज एनी डाउट्स तो पूछो मुझे, मार्क प्राइस का या सेलिंग प्राइस का या कुछ. इज इट क्लियर नाउ दिया? And somebody else also asked me about mark price and Anjali. Yes, ma'am. Okay, great. Where did you see this? I know, put it in the fridge. Abhi banaya maine, put it in the fridge. Yes, put it in the fridge. I'm in a lecture. ठीक है, सो जनरली जो कॉन्सेप्ट है ऑफ मार्क प्राइस एंड प्राइस, वो डिस्काउंट्स की, जो डिस्काउंट्स क्यों दे पाते हैं दीज बिग ब्रांड्स, बिकॉज उनका मार्जिन ही इतना बड़ा होता है कि उन्होंने अगर 10%, 20%, 40% भी आप टाइम्स डिस्काउंट दे दिया, सो इट्स नॉट एक्चुअली गोइंग टू बी अ लॉस फॉर देम. ठीक है, एनी विच उनका प्रॉफिट ही होने वाला था. सो इवन व्हेन दे आर हैविंग दीज डिस्काउंट एंड वी थिंक कि वाओ व्हाट अ
what a beautiful miracle is happening that we are getting it 10%, 20% and 40% off. Actually, मैं खुद की बात कर रही थी कि I'm saying we because I see sales, I see discount and I get attracted like a mad person. ये marketing वालों की सबसे big fool client मैं ही हूँ. I see apps पे you will always see time to time notifications. You will get your Myntra and Ajio and this and that on my phone. You will always be able to see. I do stupid shopping all the time. So, but this there is a huge difference in your cost price and your selling price of always, and that is how they are able to give you discounts. क्योंकि उनका mark price और cost price में इतना difference होता है. But then again, profit eventually हम किस पे calculate करेंगे? Selling price पे. ठीक है? Now to talk about your profit percentage अभी. ठीक है, और डिस्काउंट को. So now talking about your discount, कि एक product पे कितना discount मिला है, ये भी लिखो. Then we'll do a question all together of combining of these concepts. ठीक है, अभी देखो डिस्काउंट. मैंने डिस्काउंट पहले क्यों नहीं लिखा दिया प्रॉफिट लॉस एंड ऑल पे, यू हैव टू अंडरस्टैंड. देखो डिस्काउंट इज गोइंग टू बी योर मार्क प्राइस. या पहले यहाँ पे देखो डिस्काउंट इज गोइंग टू बी व्हाट, व्हाट इज गोइंग टू बी योर डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस ये प्राइस था उस. अब ये हो गया है तो डिस्काउंट कितने रुपए का मिल रहा है? 150 रुपीज का मिल रहा है, विच इज व्हाट 150 रुपीज. यहाँ पे क्या है? एम पी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस का डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है, एंड व्हाट इज योर डिस्काउंट परसेंटेज? योर दिस ओनली डिस्काउंट जो होता है टोटल एमपी माइनस एसपी अपॉन. अब मुझे पता अपॉन क्या आएगा इसमें? इसमें तो कॉस्ट प्राइस है नहीं. इसमें व्हाट इज माय बेस प्राइस? यस विशाल, वेरी गुड. योर एम पी इज माई बेस प्राइस. नहीं नहीं, द वन हू सेड एस पी वो गलत होगा. हाँ, दैट इज व्हाई आई हैव ऑलवेज मेड यू. सो ये बेस प्राइस क्या होगा? ये हम रट्टा नहीं मार सकते. यस, आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस वो याद ही रह जाता है दिमाग में, बट लॉजिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसके रेफरेंस में आउट ऑफ वाली वैल्यू क्या है. ठीक है, माई आउट ऑफ वैल्यू इज वॉट. ठीक है, सो दिस ये भी लिख लो. ठीक है, नाउ राइट दिस क्वेश्चन. द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज रुपीज 15,000. The shopkeeper marked up the price by 13% and then gave a discount of 10% on the marked price. यहाँ पे इनफैक्ट लिखने की जरूरत भी नहीं थी ऑन द मार्क प्राइस, बिकॉज इट इज ऑब्वियस वी नो कि किस पे डिस्काउंट लगता है. ठीक है, बट ऑन द मार्क प्राइस वॉट अमाउंट What amount did the shopkeeper gain or lose, and what
was his percentage profit or loss? Take a look at the question. Cost price दिया है, the marked up price was up by 13% बोला है, तो cost price में से 13% और बढ़ा लो, then gave a discount of 10%, तो marked price में से 10% deduct कर दो, that was your selling price. So what amount did the shopkeeper gain or lose? तो इसका profit or loss you will have to find from SP minus CP, because always marked up mark इसका देखो यहाँ पे भी, if you see profit or loss किस पे होगा, I've always told you यहाँ पे it was very important when I told you here. Anyway, as I was saying, your cost price and your selling price के बीच में हमेशा profit calculate होगा. Just solve this question and tell me what the answer is. Now if you notice now, here we are using that formula which I told you in percentage, the full length wala jo formula likha hai tha maine, new old price, the price plus price into x percent is equal to new price, that is always going to be used here. If I would have given you jo I was telling you ki I don't want you to get the Ratta formula, but that one straight formula jisme kuch bhi hum log ko input diya ho hame output milega, that we are using here continuously time and again, but now it's so invisible only in a way ke formula yaad rakhne ki zarurat hai, wo comes in practice only that you are using it again and again if you are recollecting that formula ki main kiski baat kar raha hu, increase in percentage ki baat kar raha hu. So jo bhi karo solve. Getting answers. Okay, I'm getting multiple answers. Somebody wants to join now. Yes, Sagarika. Sagarika, obviously, I will solve. Obviously. Can you solve? मतलब हाँ आता है मुझे. हाँ हाँ, I got it. So do solve. Just giving time for everybody else also to try. Okay, and is it better now, Sneha? Achha, my screen is not visible. One second. So yeah, I've got enough answers. Let's see the answers. Let's see.
Yes, Sunil, correct. It is 255, that is the profit. And yes, the percentage is 1.7%, Prasad, correct. Sonu, please check your percentage again. Yes, Sunil, 1.7. Preeti, Shri, Sneha, yes, rounding it up, it will be 1.7, correct. Yes, Sunil. Then Aarti, yes, it is 255. And yes, Swaraj, correct. Yes, Siddhi. Okay, let's solve it. Yes, Siddhi, correct. Yogesh, correct. Anjali, same, correct. Okay, let's begin step by step. It's a very procedural question. ठीक है, किसी को भी अगर एसपी को एमपी बना दिया, सीपी को एमपी बना दिया, यू विल लूज द क्वेश्चन. ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप वी विल फॉर्मुलेट इट. सबसे पहले क्या लिखा है? द सीपी ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,000. ठीक है, सो माय सीपी 15,000. ठीक है, देन दिया है, सब अच्छे से ध्यान से देखो. ठीक है, दो वंस वन नोट्स. द शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस बाय 13%. दिस इज वन पार्ट, मार्क्ड अप द प्राइस बाय 13%. इतने पार्ट को देखो. सो मार्क्ड अप द प्राइस बाय 13% का मतलब ये होता है, जो हमारी यहाँ पे ट्रेन बनाई है हमने, ट्रेन, तो यहाँ जो था यहाँ से वो मार्क प्राइस पे आया है. ठीक है, बट यहाँ अब जो मार्क प्राइस पे आया है इन आर केस, तो सी पी 15,000, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है और एम पी में आया है, इसने मार्क अप किया है बाय 13, राइट? हाँ, 13%, मतलब 15,000 उसका कॉस्ट प्राइस था, बट उसमें 13% बढ़ा के 15,000 उसने मार्क्ड अप रखा है. सो योर मार्क्ड अप इज गोइंग टू बी, मार्क्ड अप प्राइस इज गोइंग टू बी कॉस्ट प्राइस जो था प्लस 13% of your cost price. ठीक है, all the percentage people, do you recollect this formula? New price is equal to price plus x percent into price. Do you all recollect this formula? This is this only. Yes? ठीक है, great. This is this only. That was one of the more reasons to solve percentage before. ठीक है, so this. Now quickly solving, what will I get? 15,000 plus 13. ये मतलब steps actually I should be skipping, but ठीक है देख लो. Then I get 15,000 plus 1950, which gives you rupees 16950 as your MP. तो प्राइस टैग कितने का लगा दिया है? 16950. ठीक है, यस प्रीतिश्री. सो नाउ माय एमपी हैज बिकम 16950. नाउ अबाउट माय सेलिंग प्राइस, एंड हाउ डू आई नो कि मार्क प्राइस इज नॉट माय सेलिंग प्राइस? क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली बोला है एंड देन गेव अ डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट ऑफ 10% एंड वेरी nicely they have given you on the marked price for you to understand, which is obvious also. ठीक है, तो now मेरा mark price ये है, अब मैंने बेचा है उसको कितने पे? 10% discount पे. Very important for you all to remember, यहाँ पे plus मत लगा देना. MP into कितना percent दिया उसने? 10%. हाँ, this is wrong, it's not plus, increase नहीं कर रहा है, वो कम कर रहा है. इसका मतलब माइनस साइन का मतलब क्या होता है? अगर आई डोंट वांट यू टू मग अप कि ये जो उसका मार्क प्राइस है 16950, उस पे वो डिस्काउंट दे रहा है, मतलब क्या कर रहा है? कम कर रहा है ना प्राइस. किससे कम कर रहा है? मार्क प्राइस से. तो मार्क प्राइस जो है उसे मैं माइनस करूंगी ना, कितना परसेंट? 10% इनटू मार्क प्राइस. तो मैं मार्क प्राइस से कम कर रही हूँ. कोई भी गलती से ऐड मत करना, इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक एंड इट इज वेरी डूएबल मिस्टेक. हो सकता है कि आपने ऐड कर दिया. ठीक है, नेवर नेवर ऐड. ठीक है, सो दिस इज माय सेलिंग प्राइस आई एम फाइंडिंग हियर. सो इट इज गोइंग टू बी सबट्रैक्शन. तो व्हाट इज माय मार्क प्राइस? 16950 माइनस 10% तो समझ में आ जाता है 16950 होगा, बट ठीक है,
16950 टिकट देख लो यहाँ से, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल 16950. So what you will get is 15225. This is what your selling price. Now the other mistake that you can do is when you have to find profit or loss, आप सीधा कर दोगे क्या? आप कर दोगे mark price से subtract. मत करना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी. ठीक है? Don't do that. ठीक है? Now मेरा ज़्यादा my cost price was 15,000. My selling price. Who wants to join now? My selling price, because that my selling price is greater than my cost price. ठीक है? Therefore, मेरा profit हुआ है, but कितना profit हुआ है? Selling price minus cost price, which will give me 225. ठीक है, 225 हो गया. अब मुझे profit percentage निकालना है. Very important कि what will go in the denominator. तो मेरा profit, मैंने क्या बोला, profit upon total into 100. मेरा profit कितना है? ऑब्वियसली प्रॉफिट परसेंटेज होने तो ऑब्वियसली ऊपर प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट मेरा 255 है. अपॉन क्या करूंगी मैं, व्हाट इज माय बेस प्राइस हियर, व्हाट वाज माय बेस प्राइस, एमपी सीपी एसपी, व्हाट वाज माय बेस प्राइस, सीपी, यस दिया करेक्ट, माय सीपी व्हिच वाज 15,000 इनटू 100 एंड दिस व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट 1.7. This is your percentage profit. Okay, yes, definitely. Yes. No, it will not be 15,225, Sneha. Please be very careful. वो selling price नहीं होगा. Selling price total नहीं था हमारा. हमारा always percentage ढूंढो, कुछ भी कितना भी ढूंढो, it's always investment that comes नीचे. ठीक है, always investment. So let दिस फॉर्मूला ना जो सबने हमने यहाँ पे लिखा है ना, हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज, ये दिस सीपी ना यहाँ पे ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, इट इज योर इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑलवेज योर इन्वेस्टमेंट, ये ब्रैकेट बोल दू डिनोमिनेटर में. ठीक है, इट इज इन्वेस्टमेंट. सो जिन्होंने वो नहीं लिखा है ये क्वेश्चन, ये लिख लो अभी, इट स्टार्ट फ्रॉम हियर. Let me just write this also. 10% minus 10%. And why am I writing minus? Because it is a discount. Very close up here. And let me know when done. एक और क्वेश्चन है जो आई वॉन्ट यू ऑल टू डू, सो वील डू दैट आफ्टर.
हो गया सबका? यस मैम। ओके तो एक और ये कॉन्सेप्ट देख लो बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is a rare case, generally ऐसे आता नहीं है, very small formula, very very small formula, लिख लो, if two items, now this is just for information type, कि अगर कभी आ गया तो you should just be familiar, ऐसे कुछ difficult भी नहीं है to remember, so if two items are sold for the same selling price, one at a gain of 8% and the other at a loss of 8%, same 8%, then there is an overall loss and the loss percentage is equal to a square upon 100. This is the percentage. Let me, I will tell you about it. मैंने फॉर्मूला करवाया था व्हाइल डूइंग परसेंटेज, ठीक है, लेट मी सी इफ इट इज हियर, कहाँ है परसेंटेज, फॉर्मूला करवाया था मैंने, ये परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इसमें हमने क्वेश्चन किया था जिसमें जो इंक्रीज परसेंटेज था वो प्लस किया था और जो डिक्रीज हो गया था उसको माइनस 35% किया था, इट वॉज प्राइस वाला ओनली, so he increase the price by 20% and then decrease the price by 35%, so plus 20 minus 35, तो हमने इसको ऐसे सॉल्व किया था, does everybody remember this formula? नहीं है तो quickly लिख लो अपने book में, percentage change is equal to a plus b plus ab upon 100। नहीं variable में answer क्यों आएगा, number में answer आएगा, किसका आंसर वेरिएबल में आएगा? एनीवे आई हैड स्ट्रेस्ड बाय बाय यूजिंग दिस एग्जांपल, द क्वेश्चन एग्जांपल आल्सो, एंड आई टोल्ड यू दिस अबाउट दिस फॉर्मूला, इट इज इम्पोर्टेंट, ये वापस लिखो सब, इस परसेंटेज चेंज किसका मतलब क्या होता है, व्हाई एम आई ब्रिंगिंग इट हियर,
बिकॉज जो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है ना हमने अभी अभी ये इफ टू आइटम सेम दिस एंड दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट फॉर्मूला ओनली. ठीक है, जिनके पास नहीं है ये फॉर्मूला या जिनको याद नहीं है या जो भी है या वापस सीखना चाहते हैं वापस लिख लो. दिस इज सक्सेसिव परसेंटेजेस, टोटल परसेंटेजेस, टोटल चेंज इन परसेंटेज. ठीक है, सपोज देर चाहिए तो ये भी लिख लो. देर इज अ डिस्काउंट ऑफ ए परसेंट एंड इट इज फॉलोड बाय अनदर डिस्काउंट बी परसेंट देन द टोटल डिस्काउंट इज गिवन बाय ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100%. यहाँ माइनस क्यों है वहां प्लस क्यों था, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी डिस्काउंट बोल रहे हैं तो दे हैव दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू डू प्लस माइनस ऑपरेशंस हियर, दैट्स व्हाई दे हैव ऑलरेडी गिवन यू इन माइनस. ठीक है, फर्स्ट इफ दैट इज एवर अ डाउट, क्योंकि हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, डिस्काउंट हमेशा लेस होता है, प्राइस कम कर देता है, उसमें हम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज था कुछ भी हो सकता था. यहाँ पे लॉस है, लॉस बाय लॉस आई मीन डिस्काउंट है, रिडक्शन है, तो ऑलरेडी माइनस है, ये समझ लो. व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू, अच्छा पहले दोनों चीजें लिख लो. अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यहाँ जो फर्स्ट फॉर्मूला है इफ टू आइटम्स, अब इस पर फोकस करो, आर सोल्ड फॉर द सेम सेलिंग प्राइस वन एट अ गेन ऑफ 8%. ठीक है, गेन ऑफ 8%, ये येलो वाले उसको बीच एक मिनट के लिए छोड़ो एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू. व्हाइट व्हाइट से व्हाइट आई एम एक्सप्लेनिंग माय व्हाइट पार्ट. गेन 8% मतलब प्लस 8%. ठीक है, एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 8%. ठीक है, एट अ लॉस ऑफ 8% मतलब व्हाट, नेगेटिव 8%. Okay. Yeah, let's move for some negative way to put in the formula and positive way. Okay. When I put this in my formula na of a plus b plus a b upon 100, main isko is formula mein dalungi na, you will realize what I will get is this is a plus the negative a, this is gain wala a. This is loss wala a, minus ho jayega, plus a into minus a upon 100. ठीक है, ये और ये a cancel हो जाएगा, please understand. ठीक है, logically you have to, and why I give time explaining these things, जरूरत नहीं है, but you need to have that thinking capacity needs to increase. That's why to tell you, so that you don't have to fear mathematics ki kya ho raha hai, you should know what is happening. So your thought process will increase. Ye a aur ye cancel hota hai, to kya bachta hai? Minus a square upon 100 bachta hai na. Theek hai? Hum yahan pe jo kar rahe hain, minus sign kyun nahi hai? This minus sign is indicating a loss. Theek hai? To loss kitne percent ka ho raha hai? A percent ka loss ho raha hai. So this on a whole it is determining by minus. Minus हो रहा है तो loss हो रहा है, तो loss कितने percent का हो रहा है? 8% का हो रहा है loss. और यह ऊपर वाले इसमें हमने a minus क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि already मैंने यहाँ पे बोल दिया है then there is an overall loss. That's why it is positive. But did you understand that the formula is same? तो अगर आपने ये formula भी use करके ठीक है यही find out किया, तो ये टोटल डिस्काउंट ऑलरेडी हैज अ माइनस साइन बाय, बिकॉज डिस्काउंट मतलब रिड्यूस हो रहा है परसेंटेज. ठीक
ठीक है, सो दैट इज वाई दिस माइनस एन इज ऑलरेडी देयर, बट ऑल इन ऑल इट ऑल कम्स फ्रॉम दैट फॉर्मूला ओनली. विच फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला. ठीक है, सो दिस इज सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज. तो ये मत सोचो कि इंक्रीज हो रहा है तो अलग फॉर्मूला, डिक्रीज हो रहा है तो अलग फॉर्मूला, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है तो अलग फॉर्मूला, दोनों सिमिलर है तो नथिंग. इट इज वन फॉर्मूला जिससे बाकी सब डिराइव हो रहा है. ठीक है, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीबॉडी? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? यस मैम. ठीक है, अच्छे से समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. आई वॉन्टेड यू ऑल टू डू दैट. कहाँ है वो क्वेश्चन? अच्छा, इसी का ही देख लेते हैं क्विकली, इसी टाइप का. चलो लिखो. मनी सोल्ड both his consignments to two different vendors at rupees 30,000 per consignment he got a profit of 15% on the first consignment and a loss of 15% on the second. Find the overall loss. यहाँ पे लॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. सो ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट्स अ लॉस एंड इट विल ऑलवेज बी अ लॉस. सेम परसेंटेज और सेम गेन और डिक्रीज हो रहा है ऑफ द सेम सेलिंग प्राइस, विल ऑलवेज बी अ लॉस. फाइंड द ओवरऑल लॉस एंड अच्छा वेट वेट अगेन प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है, सो यू हैव टू लेकिन नो इट्स गोइंग टू बी अ लॉस. ठीक है, इसका कुछ आई विल से डायरेक्टली यूज ए स्क्वायर अपॉन 100, यू विल गेट इट, बट यू हैव टू नो दैट इट इज अ लॉस. एंड इसका इवन इन द सोल्यूशन व्हेन यू सी, यस इट इज 2.25, इवन इट इन द सोल्यूशन यू सी, सो इट विल ऑलवेज बी स्टेटेड दैट सिंस द एसपी इज द सेम एंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इज द सेम, देयरफॉर you will get a loss. It is like a theorem only, it is that you should remember. Okay. Yes, Vaishnavi and Vishal. Okay. प्रीतिश्री करेक्ट, प्रसाद 2.25% करेक्ट, ईशान वाशिंग एंड सागरिका यस करेक्ट, 2.25% इज करेक्ट. रेस्ट ऑल ऑल्सो एवरीबडी ट्राई.
Anjali Sneha and Satish Kalyani. Okay. Very simple it is. It is a one-line solution. I know it is a person, so definitely my percent, loss percent, is equal to a square upon 100, 15 square upon 100, which is 225 upon 100, so 2.25 percentage. Okay. Got interesting question here, which I want to get done with today itself. So I will make you all do right now. So ho gaya na sabka, so that we can quickly do it. Is everybody done with this? Jaldi question likho. थोड़ा अलग टाइप का इसलिए लिखवा रही हूँ. विल सी इफ यू हैव टाइम और नॉट टू डिस्कस इट नाउ, बट लिख के रख लो, ट्राई कर लो. इफ द टाइम रन्स आउट यू कैन स्टिल ट्राई इट एट होम एंड विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% to his customers and still gains 20%. Find the marked price of an the article which cost him rupees 620. Shopkeeper allows a discount. इसमें थोड़ा twisted है, इसमें selling price नहीं पूछा है as traditionally asked in the other questions. They have told you that the shopkeeper allows a discount of 25% बोला है to his customers and still gains 20%. उसका percentage profit भी बता दिया है. Find the marked price of the article which costs him 6200. तो cost price दिया है, उसके ऊपर मार्क प्राइस पे नहीं दिया है, मार्क प्राइस ये पता, बट मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगा 25% एंड स्टिल ही गॉट अ टोटल गेन दैट इज प्रॉफिट ऑफ 20%. सो नाउ ट्राई करो. जो गेन मिला है दैट इज अ ब्रिज टू व्हाट योर प्रॉफिट इज अ ब्रिज टू कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एंड योर डिस्काउंट इज अ ब्रिज टू What is 6200? You tell me, find the marked price of the article which cost him rupees 6200. You tell me what is 6200? It has cost him 6200. Find the material of the article which cost him. Him kaun hai isme? This shopkeeper. Theek hai, shopkeeper ke bare mein bolo na, he allows so and so. The shopkeeper cost to us. To kya aayega? Is it cost price? Yes, it is cost price. 7750. What is 7750? You're saying marked price? नहीं सोनू, वापस try करो. Yes, Prasad, but you हाँ, but I'm asking for find the marked price. ठीक है, चलो इसका मैं solution नहीं दे रही हूँ. I'll just tell you how it is to be done and I will ask the answer in the next lecture. But understand, your gain जो बोला है 20% gain, पहले मेरी मतलब यहाँ पे ध्यान दो सर, ठीक है, don't solve right now, ध्यान दो. मतलब क्या होता है profit, right? This profit is a bridge between what your selling price and your cost price. तो इससे ये मिलेगा. सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दिया है, वो मिलेगा.
ठीक है, एंड व्हाट इज आवर 25% जो डिस्काउंट बोला है, दैट इज अ ब्रिज बिटवीन व्हाट योर सेलिंग प्राइस एंड योर मार्क प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दिया है 6200, उससे यू फाइंड सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस जब मिल जाएगी उससे यू कैन कम टू योर मार्क प्राइस. ठीक है, यस 7440 एंड 9920 इज करेक्ट, बट आई वॉन्ट एवरीबडी टू सॉल्व इट बाय द नेक्स्ट लेक्चर. आई विल आस्क द क्वेश्चंस. फिर आगे नेम प्रसाद हुआ है. I actually wanted to solve it in the next lecture. But I wanted people to actually spend time on this question, 5 minutes at the most, and get the answer. But okay, you have already sent the answers, so yeah, it is. Acha, Ragini, 7440 is not your MP. It is not your MP, so be careful with that. It's not MP. Acha, Dimple also sent something. 74400. तो नहीं है, बट 7440 इज नॉट एम पी, दैट इज रॉन्ग. चलो ये भी मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, तो याद रखो इट 7440, बट दैट्स नॉट योर एम पी. दैट्स व्हाई आई मेड दिस डायग्राम, ब्रिज डायग्राम, सो अंडरस्टैंड इट. एंड वैसे क्वेश्चन लिख लिया है, सो दैट्स ऑल, देन यू कैन, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो ये हो गया, सो यू कैन लीव द मीटिंग.